अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैबेटालॉल हाइड्रोक्लोराइड। आज इस दवा के हम आपको यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। अब अपने टॉपिक के जाने बढ़ते हैं। लैबेटालॉल हाइड्रोक्लोराइड ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में आती है, इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट बात करेंगे लैबेटालॉल टैबलेट की। लैबेटालॉल डायस्टोलिक, इसके अलावा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। और ये दवा हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती है। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो उसमें भी डॉक्टर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ये दवा आपके और आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं देगी, ये प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म फॉर एंजाइना और हाइपरटेंशन इन एमरजेंसी, इसके अलावा ये हाइपरटेंशन अगर आपको सर्जरी के बाद हो, किसी भी किस्म की सर्जरी के बाद हो, तब भी डॉक्टर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। इस दवा का थोड़ा सा मैं आपको एक्शन बता देती हूँ, किस तरह से इसका ये बॉडी में वर्क करती है। लैबेटालॉल बेसिकली एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इसके अलावा ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी रखती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे चक्कर आ जाना, कमज़ोरी महसूस होना, सर घूमना, रैश हो जाना जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसके अलावा है टिंगली स्कैल्प, एक और तस्वीर में भी दिखाया है मैंने टिंगली स्कैल्प। इसके अलावा और भी दीगर साइड इफ़ेक्ट से नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और या फिर इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होना, डिफ़िकल्टी पीइंग, कुछ लोगों को नज़र का मसला भी हो जाता है और हाइपरटेंशन की भी शिकायत हो जाती है। क्योंकि ये दवा जब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाए। अगर ऐसी आपको कोई शिकायत हो तो अपने डॉक्टर से लाजमी यहाँ पर रुजू कीजिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी वो सूरतें जब आपको ये दवा नहीं लेनी, जैसा कि है कार्डियोजेनिक शॉक, इसके अलावा है सीवियर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी बीपी आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, सीवियर ब्रेडीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का इंतहाई कम हो जाना। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लंग डिजीज़ है, अस्थमा वगैरह है, इसके अलावा अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मेडिकल हिस्ट्री आप उनसे डिस्कस करने के बाद ये दवा लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे